उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही गरीबों और मजलूम बेबस लोगों को सहायता देते हुए आगे बढ़ाने की बात करती हो, लेकिन उनकी पुलिस गरीबों को कुचलने में लगी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण अमेठी जनपद में देखने को मिला, जहां हमेशा विवादित और बहुचर्चित थाना क्षेत्र जामो के कटारी गाँव में रहने वाले एक परिवार का पड़ोस के दबंग किस्म के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसका मामला कई बार पुलिस के सामने भी आ चुका है। पुलिस के द्वारा हर बार दबंगों का ही साथ दिया जाता है, जिसके चलते गरीब परिवार पीड़ित और परेशान है। इसी मामले को लेकर पिछले दो दिन पहले 11 मार्च तारीख की शाम को दबंगों के द्वारा विवाद खड़ा किया गया, जिसकी शिकायत करके थाने पहुंचे पीड़ित को ही पुलिस वालों ने बिठा लिया और 24 घंटे तक थाने में ही बिठाए रखा। इसी बीच दबंगों ने रातों रात पीड़ित के घर के सामने विवादित जमीन पर दीवार खड़ी कर डाली और अपने कब्जे में ले लिया। सुबह इस बात का पता जैसे ही गाँव वालों को चला, गाँव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुँचा। ग्रामीणों का सबसे अधिक गुस्सा तो स्थानीय पुलिस प्रशासन पर था, जिसकी सह पर दबंगों ने दीवार खड़ी की थी और पीड़ित को ही थाने में बिठा रखा था और उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। फिर क्या, भारी मात्रा में इकट्ठे हुए ग्रामीणों ने दबंग की दीवार पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस की गाड़ी को नाराज ग्रामीणों ने रोक लिया। मौके पर मौजूद संभ्रांत लोगों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या घटना घटी है आपके साथ? भैया हमारे साथ बहुत घटना घटी है। हमारे पिटे की धमकी दी थी अंगनू तिवारी, हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं 12 बजे रात के। अमन तिवारी, अंगनू तिवारी, अनुपम तिवारी। अभी इसकी सूचना आपने थाने पे दी थी? जी। तो क्या कार्रवाई हुई इस पे? 3 दिन हुआ बैठाए रहे, कुछ नहीं करे। अच्छा, आज जब अभी सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए थे तो क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या नाम है आपका? रामावती। क्या मामला हुआ, क्या घटना घटी आपका? ये हमारे मैका है के पास ससुराल में, मतलब प्रवजन था, कहीं चले गए। यहाँ रात में अंगनू तिवारी, अनुपम तिवारी, अमन तिवारी रात में 12 बजे दीवार उठा ले, सुबह 3 बजे बंद कर दिए। मोहल्ला वाले जाने तुम्हें फ़ोन करें तो हम आए तो यहाँ कहें कि मम का होता है, चले गाड़ी देंगे, कहें सारी जमीन हमारी है, यहाँ से भाग जाओ। इनका घुमा बरसा कि उनको भगा दिया, हमने सब नंबर किया। उसके बाद पुलिस आई, हमारे आदमी को ले जाकर 3-2 दिन बंद कर। उसके बाद कुछ नहीं, आज अधिकारी आए, कहीं घबराओ नहीं, तुम्हें न्याय मिलेगा। दीवार भैया क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम शैलेश तिवारी है, सनाप कल्लू तिवारी। ये जो घटना घटी है क्या है पूरा मामला? घटना ये तेज प्रताप उर्फ अंगनू, उनके दो पुत्र अनुपम अमन, उसके बाद इनके घर की जो महिलाएं हैं सब लोगों के साथ मिलके जो है ये उनके दीवार के बाद, इनके घर के बाद जो है हमारा मकान पड़ता है कल्लू तिवारी, तो बीच की दीवार ये जो है गिरा दिए, जिसका हम जो है जब थाना स्थानीय को हम सूचना दिए तो 427 जो है इसमें कायम किए। उसके बाद माननीय SP साहब के आदेश पर जो है 379 का मुकदमा दायर किए। उन्होंने आदेशित किया था कि 411 भी लगाया जाए, लेकिन पुलिस ने जो है 411 नहीं लगाया, तो उसी ईंटों का ये हमारे ईंटों का ये निर्माण कर लिए। ये तो हमारी ज़मीन की बात हुई। उसके बाद अभी 2-3 दिन भी हुआ, हमारे पड़ोस में जो है रामावती का मकान है, इनके पिता शिव प्रसाद यादव थे, तो शिव प्रसाद यादव एक्सपायर हो जाने के बाद इनकी दो लड़कियां थी, कमलेश यादव, रामा यादव, तो उन्होंने जो है रामा यादव को दे दिया ये मकान। ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही थी, अभी विकट इनके ससुराल में कुछ जो है प्रयोजन था, वहाँ ये रहने लगी, शिफ्ट हो गई, आती थी यहाँ पे बीच बीच में आती थी। तो अभी विगत अभी 2-3 दिन पहले रात में ये इनकी जो हमारे दीवार के बाद में इनकी सट के दीवार थी उसको ये गिरा दिए, उसके बाद ईंटें भी इनके उठा ली गई।
और उस पर मिट्टी उट्टी डाल के इनके पूरे मकनवा पे जो है कब्जा कर ले। जब ये इसकी सूचना गांव के किसी ने मतलब फोन बाई फोन इनको दिया, ये आके सुबह इनसे कहने लगी, तो घर के इनके पूरे लोग अपना इकट्ठा होके गाली गलौज मारपीट की धमकी देने लगे। तो इन्होंने इसकी जानकारी थाना स्थानीय को दिया। थाना स्थानीय की पुलिस यहाँ पे आके, पहले 100 नंबर को दिया था, तो आके यहाँ पे जो है फिर इनके हस्बैंड को और अनुपम तिवारी को, जब ये जो है तहरीर लेके थाने पे गई, तो इनके हस्बैंड को और अनुपम तिवारी को दोनों को 151 में जो है चलान कर दिया पुलिस। कल ये जमानत करा के जब आई तो ये लोग तरी दे रहे थे और माटी दे रहे थे। इन्होंने कहा भाई साहब इस ज़मीन पे जो है ये मतलब हमारी ज़मीन है, अभी 151 का हम चलान मतलब तो जमानत करा के आए, इस पर कुछ ना करिए। तो ये लोग फिर गाली अनुपम तिवारी, तेज प्रताप और ये अमन गाली गलौज करके इनको भगा दिए। बाहर के 2-3 लड़के भी इनके घर में आए थे। उसके बाद अब आप जो है इनसे एक बात पूछ लीजिए, मतलब इनको क्या क्या इनको धमकियां मिली, अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पे कार्रवाई अभी आज जो है, फिर आज ये सब ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए गांव के संभ्रांत लोग, तो सब लोगों ने इकट्ठा किया, हाँ ये अन्याय सरासर अन्याय हो रहा है। तो ग्रामीणों की मदद से जो है ग्रामीण जो है दीवार आक्रोशित होकर जो है दीवार गिरा दिए। थाने से जो है फिर जो है पुलिस आई, फिर यहाँ पे तहसीलदार महोदय आए, थाने